So right now what we are going to do, there is an interesting information, all of you can go through by it. Elsa, read it please. Interesting information. Scientists are working on ways to convert coal into gas underground so that it will not have to be mined. This will allow us to use small seams of coal or seams that are dangerous to mine because of weakness in the surrounding rocks. Right. So it was an interesting information. It's just for the sake of information. आपको समझ आ गई होगी कि जिस तरह क्योरा माइंस की अगर हम बात करते हैं वो सारी की सारी अंडरग्राउंड टनल है. वहां पर मींस फिफ्थ और सिक्स फ्लोर पे यू विल बी एबल टू सी, जहां पे आपको सैर कराई जाती है, दैट इज फिफ्थ और सिक्स फ्लोर. उसके नीचे भी बहुत सारे फ्लोर हैं एंड ऑन द अपर पोर्शन इट ऑल्सो हैज टू मेनी फ्लोर. तो अंडर माइनिंग मतलब सारे का सारा अंडरग्राउंड डग अप किया जाता है, माइंस बनाई जाती हैं टू डू ऑल द काइंड ऑफ स्टफ. Daud, you are required to switch on your camera. Harun as well. You bete. So we are right now going to study about petroleum. In the last pages, page number, you can go on page number 61. And you can see over there, we have studied a key. I am sharing with all of you this one. ठीक है, ये हमने की स्टडी की थी. अमंग दैट हमने डेड प्लांट्स के बारे में पढ़ना शुरू किया था. द फर्स्ट वन विच वी हैव डिस्कस्ड इज कोल. नाउ वी आर मूविंग ऑन पेट्रोलियम एंड द थर्ड वन इज नेचुरल गैस. वी आर गोइंग टू मूव ऑन दैट. सो कोल के बारे में हम सारा पढ़ चुके हैं. नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स पेट्रोलियम. दैट व्हाट इज पेट्रोलियम. आई एम गोइंग टू रीड इट वन बाय वन, लाइन बाय लाइन, सो दैट यू कैन गेट क्लियर पिक्चर ऑफ इट. इसमें बेसिकली कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, कुछ भी नहीं है. इट्स जस्ट अ थ्योरेटिकल वे एंड यू कैन यू हैव टू लर्न इट. सो पेट्रोलियम क्या है? सबसे पहले इसकी डेफिनेशन है दैट पेट्रोलियम इज अ डार्क ब्राउनिश और ग्रीनिश ब्लैक कलर्ड विस्कस लिक्विड. विस्कस होता है जिसकी विस्कोसिटी से वर्ड डिराइव किया जाए तो बहुत थिक थिक होता है. ठीक है, पेट्रोलियम आप देखते हो पेट्रोल ऑलवेज अ वेरी थिक कंसिस्टेंसी. जब भी हम उसको पानी में मिक्स करते हैं इट इज अनएबल टू डिजोल्व इट, इमिसिबल. जस्ट so you can say it is a dark brownish and brown skin though mama. So it is a complex mixture of several solid, liquid or gaseous hydrocarbons in water mixed with salts and earth particles. Means इसमें ये किस चीज का combination है? It is the combination of different kind of, you can say, gaseous and liquid hydrocarbons in water that are going to be dissolved. And then you can say petroleum is a main source of organic compounds. It consists of several compounds, mainly hydrocarbons. These compounds are separated by वही बात आ गई कि हमने दो processes डिस्कस किया था. नंबर वन वाज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन एंड द अदर वन वाज डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन. सो पेट्रोलियम जो है, पेट्रोलियम इज द सोर्स इन विच इट कैन बी ऑब्जर्व बाय यू कैन से फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, जिसमें डिफरेंट फ्रैक्शन आ जाती हैं बाय यूजिंग अ फ्रैक्शनेटिंग कॉलम. एक कॉलम होता है उसके अंदर डिफरेंट फ्रैक्शन बनी होती हैं जिसमें उसके बॉइलिंग पॉइंट के अकॉर्डिंग जो है वो उसको एडजस्ट कर सकता है. राइट, तो पेट्रोलियम जो है वो इस तरीके से कंपाउंड्स को हम सेपरेट आउट कर सकते हैं. देन दे हैव रिटन द डेफिनेशन, यू कैन जस्ट हाईलाइट इट दैट सेपरेशन ऑफ फ्रैक्शंस और कंपोनेंट्स डिपेंडिंग अपॉन देयर बॉइलिंग पॉइंट रेंजेस. राइट, दीस फ्रैक्शंस एंड देयर यूजेस आर प्रोवाइडेड इन टेबल 16.1 इन चैप्टर नंबर 16. द लास्ट चैप्टर ऑफ दिस बुक विल गिव यू सम इंपॉर्टेंट बॉइलिंग पॉइंट्स एंड फ्रैक्शंस अबाउट द सेम जो के अलग अलग होते हैं इसमें पेट्रोलियम में कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है. तो ये हम डिटेल में लास्ट चैप्टर में इसको डिस्कस करेंगे. देन ईच फ्रैक्शन इज नॉट अ सिंगल कंपाउंड. मीन्स जो फ्रैक्शन उसमें लेट से आपके पास एक कॉलम है समझ लें, उसके अंदर आपने लेट से जो ऊपर चीज आ रही है दैट इज ग्रीनिश कलर, नीचे जो आ रही है वो ब्राउन कलर की अगर है,
तो उसमें क्या हो रहा है कि वो सिर्फ एक कंपाउंड नहीं है, उसमें सिर्फ लेट्स से बेंजीन नहीं है, टॉलीन नहीं है, इट इज अ मिक्सचर ऑफ कंपाउंड्स. फिर हम उसको भी फर्दर आगे डिस्टिलेशन के थ्रू जो है सेपरेट आउट करते हैं. ठीक है. नाउ कमिंग टू वर्ड्स नेचुरल गैस. नेचुरल गैस विच वी ऑल हैव इन आवर हाउसेज, जिसमें जिसका सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट जो है वो मिथेन है. मिथेन का फॉर्मूला क्या है यूनस? कैन यू प्लीज टेल मी यूनस शमसी? यूनस हबीबुल्ला बेटा, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मिथेन? CH4. CH4, शाबाश. बहुत दफा हमने ये चीज स्टडी की है दैट द फॉर्मूला ऑफ मिथेन इज CH4. दाऊद आप बेटा कैमरा नहीं ऑन कर रहे, आई डोंट नो क्या बात है. आज मैंने भी कैमरा ऑन कर दिया कि आप लोग कर ले शर्म खा के, बट कोई असर नहीं है. सो मिथेन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है सुई गैस का, जो हमारे घर में भी नेचुरल गैस आती है. उसमें थोड़ी बहुत ऑक्सीजन भी ऐड की जाती है, मिथेन भी ऐड की जाती है, बट 85% जो कंपोनेंट है ऑफ नेचुरल गैस दैट इज मिथेन, एंड द फॉर्मूला ऑफ मिथेन इज CH4, राइट? एंड सो मेनी अदर गैसेज आर ओवर देयर. यू कैन सी दैट इथेन, प्रोपेन एंड ब्यूटेन. मिथेन के बाद आती है बारी इथेन की, जिसका फॉर्मूला हमने होमोलोगस सीरीज में पढ़ा था, बट आगे भी हम उसको डिटेल में पढ़ेंगे. सो इट्स ओरिजिन, यू कैन मूव ऑन पेज नंबर 64 ऑफ योर बुक्स. आई एम शेयरिंग इट विद यू. इट इज ओवर हियर. इट्स सिमिलर टू दैट ऑफ कोल एंड पेट्रोलियम. के ओरिजिन जो है, जिस तरह हमने फॉसिल फ्यूल्स के टू सोर्सेज पहले वाले को डिस्कस किया है, उसका भी ओरिजिन सेम ही है, बिकॉज इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फॉसिल फ्यूल दैट प्लांट्स के मिलते. देयरफॉर इट इज फाउंड विद देयर डिपॉजिट्स एज शोन इन फिगर. नाउ यू कैन सी देयर इज अ फिगर 11.3, एंड इन दिस फिगर यू कैन सी देयर द फर्स्ट वन इज अर्थ क्रस्ट. सबसे पहले अर्थ क्रस्ट बनाई हुई है और उसके नीचे की सारी ये अंडरग्राउंड जो है शीट्स बताई गई हैं. इफ यू हैव ऑब्जर्व द स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, तो आपको पता होगा डिफरेंट लेयर्स होती हैं. अर्थ का क्रस्ट है जिसपे जिसको हम देखते हैं बेसिकली. देन उसके नीचे शेल है, देन इम्पेरियस रॉक जिसकी ब्रोक डाउन हो चुकी होती है, और उसके नीचे से गैस पेट्रोलियम के रिजर्वायर्स होते हैं. जैसे अगर आपको पता लगता है कि फलां जगह पे, जैसे चागी के पहाड़ों पे पाकिस्तान की अगर बात करते हैं, तो वहां पर गैस के जहार पाए गए हैं. बलोचिस्तान वाली साइड पे बहुत ज्यादा नेचुरल गैस पाई जाती है. दैट्स व्हाई इट इज नोन एज सुई गैस, बिकॉज ये सुई के मकाम से निकाली जाती है. देयर इज अ प्लेस इन बलोचिस्तान, सुई एंड मारी, वहां पर ये जो मेजर रिसोर्सेज हैं गैस के प्रेजेंट है, जहाँ से सारी की सारी हमारे पंजाब को, इवन दूसरे सिटीज को जो है वो गैस मिल रही है. तो अंडरग्राउंड इनकी जो कहने आप डगअप किया जाता है, खुदाई की जाती है, ड्रिलिंग ऑफ गैस इज डिराइव फ्रॉम देयर. तो आप देख सकते हैं इन दिस पिक्चर के कितनी ज्यादा नीचे गैस के रिजर्वायर्स प्रेजेंट होते हैं और किस तरीके से इसको डिफाइन करके फर्दर हमें निकालना पड़ता है. देन कमिंग टूवर्ड्स, देयर इज अ जस्ट अ लिटिल बिट अबाउट CNG. CNG इज द टर्मिनोलॉजी फॉर कंप्रेस्ड नेचुरल गैस. एक LPG होती है, एक CNG होती है. जब भी आप CNG फिल आउट करवाने के लिए जाते हैं, दैट इज नोन एज कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, जो कि गाड़ियों में आपको मैंने पहले भी बताया था कि जिससे धुआं जो है वो कम होता है. सॉरी, मैंने एट क्लास को शायद ये बताया था, टेंथ को नहीं बताया, कि CNG की जो कंजम्पशन है दैट इज हैविंग फ्यूल कंजम्पशन लेस देन द फ्यूल पेट्रोल, और एयर पोल्यूशन जो है दैट इज नॉट गोइंग टू बी कॉज्ड इन दैट. कहा स्टेक वाइज. You can go and just listen. If you are not understanding, you can move upstairs. Okay. So, what I was telling. CNG is basically used for compressed natural gas. It is the abbreviation. और आगे आपसे पूछा भी जाएगा. Natural gas is also used to make carbon black and fertilizer. So it was all about natural gas. Now coming towards plants. अब अगर आप उसी key को देखेंगे, तो हमने उसमें से तीन point को discuss कर लिया है. पेट्रोलियम, नेचुरल गैस एंड कोल. ठीक है, डेड प्लांट्स की तरफ. इट्स हबीबुल्ला बेटा, इट्स ऑन पेज नंबर 61. वहां पर मैंने अभी आपको दिखाया था, फॉर योर कन्वीनियंस आई एम शोइंग इट टू यू एज वेल. ये वाला पेज है, ठीक है. इसमें हमने फॉसिल फ्यूल्स को डिस्कस किया वन बाय वन, कोल को डिस्कस किया, पेट्रोलियम को, और उसके बाद हमने इसको डिस्कस किया है गैस को. अब देखते हैं अब इधर बाकी चीजें, प्लांट्स. अब हम प्लांट्स की डिस्कशन की तरफ जा रहे हैं. बेसिकली हम इस वाले टेबल को कंटिन्यू कर रहे हैं आगे, राइट?
Now moving on about yourself. Should I read? Yes. Start reading it. Plants. Living plants synthesize macromolecules, for example, carbohydrates, protein, oils, and vitamins. The basic unit of all types of carbohydrates is glucose, which is synthesized by plants through photosynthesis. Glucose further polymerizes the forms of sucrose, starch, and cellulose. Proteins are found in the pulses and leaves. Proteins are prepared by the fixation of nitrogen by bacteria found on the roots of plants. Oil, rapeseed, palm, coconut, and groundnut. Vitamins are found in apple and citrus fruits. Besides these major food items, plants. Also, your voice is not clear. Okay, ma'am. Miss, I have read. Okay. So I was telling you that macromolecules, वो molecules बहुत बहुत बड़े structures होते हैं उनके. Like I have brought some glucose and things like that. मैंने आपको जब start कराया था ये unit और तब बताया था कि glucose जो है वो किस तरीके से form होता है, उसमें hexagonal structure होता है and how it is going to be formed. So जो सारे के सारे macromolecules हैं उनमें एक इनकी एक बहुत common property है, that is known as polymerization. That they have the tendency के वो different units के साथ polymerize कर जाते हैं और बड़े से बड़ा structure बनता जाता है, like honey, glucose, even sugar, ये सारे के सारे जो हैं इस category में आते हैं. So proteins जो हैं, all of you know that we get from pulses and beans, and there are different kinds of oils, उनके sources लिखे हुए हैं, and then at the end vitamins are present in citrus fruits and apple. So this was all about plants. Now we are coming towards that how we are going to synthesize in lab. के लेबोरेटरी में इनकी प्रोडक्शन किस तरीके से होती है. सो पहले ही मैंने आपको बताया कि वाइटल फोर्स थ्योरी में बताया गया था कि जो है यूरिया को हम सिंथेसाइज करते हैं लैब में. ये हमें बताया था 1828 में बाय एफ एम वॉलर. यू कैन ऑल्सो सी द नेम ऑफ द साइंटिस्ट ऑन द लास्ट थ्री लाइन्स. ही हैज टोल्ड दैट देयर आर सो मेनी वेज बाय विच वी कैन सिंथेसाइज डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन द लैब. It's not only that कि हम सिर्फ इनको living जो things हैं like plants, animals उनसे ही extract out करते हैं, but there are certain ways we can also find it out from different ways. So you can see from the you can move on page number 65 and you can see over there. It's page number 65 and all of you can see that we can. These are present in drugs and medicines, flavors and fragrances, plastics and paints. Means अगर आप कोई भी चीज देखें ना, कोई भी चीज ऐसी नहीं है जिसमें organic compounds present नहीं है. Everything have organic compound in it, right? So सारे का सारा ये introduction उसके बारे में था. Now coming towards uses of organic compounds, that what are the uses of organic compounds, how we can use it in our daily life. So over here you can see
that no doubt thousands of organic compounds are synthesized naturally by animals and plants. Means animals or plants jab dead ho jate hain to unke upar jab mitti ki layer pad jati hai, that is finally converting into the fossil fuels. तो ये नेचर की तरफ से एक प्रोसेस है और वो क्या करता है इन द लॉन्ग रन आपको फायदा देता है कि हमारी जो अर्थ की सरफेस है दैट इज बिकमिंग गुड फॉर द क्रॉप्स मैन्युफैक्चरिंग एंड जो उसमें खाद डालनी पड़ती है मैन्योर उसके अकॉर्डिंग डालनी पड़ती है दैट इज वेरी वेरी बेनिफिशियल इन ईच एंड एवरी एस्पेक्ट. नाउ देयर आर सम केमिकल्स दैट आर गोइंग टू बी प्रिपेयर्ड एंड दैट आर यूज्ड टू बी बाय द केमिस्ट इन द लैब्स एज वेल एंड इवन द फूड वी ईट इट ऑल्सो हैव some organic compounds in it. Now one by one we are going to discuss each and everything that how it is going to be used in food. Now we can say they are used as food, the food we eat daily such as milk, eggs, meat, vegetables etc contain carbohydrates. Carbohydrates hote hain usme, means bread jo hum khate hain, uske alawa jo cakes hain, all the bakery items are rich in carbohydrates aur inko ek certain amount mein lena chahiye, otherwise you have more prone towards obesity अगर हम इसकी बहुत ज्यादा कंजम्पशन कर लेते हैं. प्रोटीन, प्रोटीन्स आपको सबको पता है, these are present in pulses, beans, meat, ठीक है? Then fats in oils and vitamins. Vitamins are like जैसे अगर मैं बात करूँ lemon, oranges, they are rich in vitamin C, carrot rich in vitamin A, सारी की सारी ये जो चीजें हैं that are rich in that. So जितनी भी चीजें यूज हो रही हैं फूड में दैट आर रिच इन ऑर्गेनिक स्टफ. देन कमिंग टुवर्ड्स क्लोथिंग, के कपड़ों में किस तरीके से यूज किया जाता है. नाउ ऑल ऑफ वी नो दैट वी हैव सो मेनी नेचुरल फाइबर लाइक कॉटन के कपड़े होते हैं, सिल्क के होते हैं, वूल के होते हैं, इनका जो थ्रेड है ऑल दिस वन थ्रेड ऑर्गेनिक स्टफ, इनमें ऑर्गेनिक स्टफ बहुत ज्यादा प्रेजेंट होता है. देन कमिंग टुवर्ड्स हाउसेज, के हाउस में आप देखते हो लकड़ी का काम किया जाता है. वुड इज सेलुलोज, सेलुलोज का स्ट्रक्चर जब आप एफएससी करेंगे यू विल बी एबल टू सी इन योर बुक्स, सेलुलोज का स्ट्रक्चर है कि दो उसमें ग्लूकोज की तरह के स्ट्रक्चर, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होते हैं एंड देन दे आर गोइंग टू ज्वाइन ईच अदर, तो वो सेलुलोज का स्ट्रक्चर बनाता है दैट इज क्वाइट बिग, मैक्रो मॉलिक्यूल के अंदर आता है. तो ये चीज जो है ये भी उसमें यूज हो रही है हाउसेज में और आपको पता है वुड तो डेफिनेट एक इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है हमारा यूज होने का. कमिंग टुवर्ड्स फ्यूल, इफ वी टॉक अबाउट फ्यूल तो ऑटोमोबाइल्स और डोमेस्टिक पर्पसेस के लिए जैसे राइट वी हैव डिस्कस के जो है वो सीएनजी जो है इट इज अ मेजर एंड कॉमन सोर्स ऑफ दैट. तो आप देख सकते हो कि उसमें जो यूज हो रही है दैट इज सीएनजी को हम यूज करते हैं दैट इज ऑल्सो ऑर्गेनिक स्टफ. तो पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये सारी की सारी चीजें एज अ फ्यूल यूज हो रही है, मींस घर के लिए भी ऑर्गेनिक कंपाउंड. देन कमिंग टुवर्ड्स मेडिसिन, मेडिसिन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, एक वाइटल यू कैन से एंटिटी है कि उसमें ये प्रेजेंट होती है ऑर्गेनिक कंपाउंड. जब भी हम कोई मेडिसिन को मैन्युफैक्चर करते हैं तो उसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एक एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट है, उसके बगैर कोई भी मेडिसिन का जो स्ट्रक्चर है दैट इज नॉट गोइंग टू बी कम्प्लीटेड. इवन अगर हम वैक्सीनेशन की बात करते हैं तो वैक्सीनेशन के लिए भी जो सारी चीजें बनाई जाती हैं उसके लिए ऑर्गेनिक जो एंटीबॉडीज हैं उनको डिराइव किया जाता है. जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं आजकल लेट्स से इफ यू गो फॉर ग्रोसरी अल्फते और यू कैन एच के भी जाते हो आप लोग, वहां पे अलग से डिफरेंट सेक्शन बने हुए हैं ऑर्गेनिक फूड्स के. मीन्स अगर आपको एक्स्ट्रा वर्जन ऑलिव ऑयल चाहिए दैट इज प्योर ऑर्गेनिक. ऑर्गेनिक मीन्स ये प्योर है, इसके अंदर कोई आपको प्रिजर्वेटिव ऐड नहीं किए हुए, दैट इज मच बेनिफिशियल एज कम्पेयर टू प्रिजर्वेटिव फूड. यानी अगर एक ऑलिव ऑयल है जो प्रोसेस्ड किया हुआ है दैट इज नॉट मच बेनिफिशियल एज कम्पेयर टू वो ऑलिव ऑयल जो ऑर्गेनिक है, प्योर एक्स्ट्रा वर्जन ऑलिव ऑयल जिसको बोलते हैं, जिसके अंदर इतनी ज्यादा उसकी ऑल्ट्रेशन नहीं की होती, जिस सोर्स से हमें वो एक्स्ट्रैक्ट आउट किया जाता है वो सोर्स जो है वो एग्जैक्टली सेम होता है. सो द लास्ट वन इज यूज एज रॉ मटेरियल. एनीबडी हैज आइडिया अबाउट रॉ मटेरियल? हबीबुल्ला कैन यू प्लीज टेल मी व्हाट इज रॉ मटेरियल? Can you unmute yourself? Miss, raw materials जो pure होते हैं, solid जो pure होते हैं, हम उनसे क्या करते हैं? Anybody else? Elsa, do you have any idea about raw material, बेटे? Chatting with you.
ठीक है हाँ जी बेसिकली रॉ मटेरियल बेटे वो दोनों का आंसर ठीक था और दोज मटेरियल्स जिनसे हम आगे मैन्युफैक्चरिंग करते हैं अगर एक घर बन रहा है उसकी कंस्ट्रक्शन हो रही है एंड आई से व्हाट इज द रॉ मटेरियल फॉर दैट देन वी कैन इजीली से दैट द रॉ मटेरियल फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ अ हाउस वुड सीमेंट ऑल दीस काइंड्स ऑफ थिंग इज कमिंग अंडर द कैटेगरी ऑफ रॉ मटेरियल तो रॉ मटेरियल इंडस्ट्री में वो मटेरियल है जिससे हम यूज करके कोई नई चीज बना सकते हैं ठीक है सो पेपर रबर ड्रग्स डाइज कोई भी चीज आप देख लें दैट इज नॉट विदाउट एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड ठीक है नाउ हियर इज टेस्ट योर सेल्फ 11.1 हबीबुल्ला बेटा माइक को म्यूट कर दें आप जरा प्लीज कर दिया ओके थैंक यू सो हियर इज फर्स्ट इज डिफाइन पेट्रोलियम You have to define petroleum. क्या petroleum क्या है? Petroleum के भी हमने just definition पढ़ी है. Petroleum is a brownish mixture consisting of what? Many compounds having a viscous consistency. आप वहाँ से देख सकते हैं. Then coming towards number two, what types of compounds are synthesized by plants? फिर आप आगे लिख सकते हैं कि these are carbohydrates, proteins, vitamins and oils. ठीक है? What is the basic unit of carbohydrates and how is it synthesized? Now you have to find out what is the basic unit of carbohydrates. Anyone from your side? Elsa, can you please tell me the answer? Glucose. Yeah, it's glucose. And for what purpose it is used? For what purpose it is going to be used? देखें इसमें एक लाइन होगी आपको नजर आ रही होगी यू कैन गो थ्रू बाय इट द बेसिक यूनिट ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज ग्लूकोज विच इज सिंथेसाइज्ड बाय प्लांट्स थ्रू फोटोसिंथेसिस सो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है बाय विच यू कैन डू ऑल दीज things now, then coming towards number four CNG stands for Habibullah yes Habibullah condensed natural gas no read it again dobara se padhein page number 64 The first paragraph, second last line. Okay, miss. Miss, I thought it's condensed, it's compressed natural gas. No. It's compressed natural gas. क्योंकि गैस को कंप्रेस करके आप एक सिलेंडर के अंदर फिल आउट करते हो. It's not like that. ठीक है? ये बड़ा एक कॉमन एब्रीविएशन है. आप अपने छोटे बहन भाइयों को भी बता सकते हो if you have. So our number five. Our existence owes to organic compound. क्या आएगा इसमें बेटे? Any idea about that? Can anybody tell me the answer? Raise your hand if you know. इसमें uses of organic compounds ही आएगा कि food में भी organic compound होता है जो हम खाते हैं, clothing में भी. हमारे घर में भी शाबाश लेकिन यहाँ पे एक लाइन है आप उसको जस्ट अंडरलाइन कर सकते हैं एंड इट विल बी फुलफिलिंग द रिक्वायरमेंट यू कैन सी द पेज ऑन द स्क्रीन आई हैव शेयर्ड वहाँ पे यूजेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है ठीक है ओवर देयर यू कैन सी दैट दीज कंपाउंड्स आर पार्ट ऑफ एवरीथिंग यू कैन से दैट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर पार्ट ऑफ एवरीथिंग फ्रॉम फूड वी ईट टू वेरियस आइटम्स वी यूज इन डेली लाइफ टू फुलफिल आवर नीड्स जस्ट आपने कमेंट करना है ना शॉर्ट आंसर जस्ट यू आर सपोज टू राइट डाउन दिस लाइन ठीक है ये लाइन आप कर सकते हैं लाइक मैं अगर आपको इधर से भी दिखाऊं इट्स फर्स्ट पैराग्राफ ये देखिए ये दीज कंपाउंड से दिस वन दीज कंपाउंड व्हिच आई हैव जस्ट शोड विद येलो मार्क ठीक है सो ये जो सारी लाइन है यू कैन शो इट यू कैन राइट डाउन इन जस्ट वन लाइन योर आंसर अच्छा अब एज वी हैव लेस टाइम वी हैव ओनली सिक्स मिनट्स
हबीबुल्ला कैन यू प्लीज टेल मी बेटे कि आपने रजिस्टर पे काम किया, कोई काम प्रीवियसली किया है? नो मिस, कुछ नहीं किया। माशाल्लाह, क्या बात है, क्यों नहीं किया? यस हबीबुल्ला, व्हाई? मैं आज या कल जाकर रजिस्ट्रेशन लूंगा, वर्कशॉप से फिर काम शुरू करूंगा। हबीबुल्ला, आपको पता है कि कल आपने रजिस्टर सबमिट कराने हैं, व्हाटएवर द वर्क यू हैव डन फॉर कॉपी चेकिंग, पता है? इसलिए कि मैं तो न्यू कमर हूं मिस। यस मिस। मिस, मैंने न्यू कमर ही रहना है ना? यस मिस। हैं? यस मिस, यस मिस करे जा रहे हो, वीडियो कहां है, जरा ऑन करो ना। कब काम करना? अनम्यूट 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 योरसेल्फ। हाँ जी, आप बताएं। इस हफ्ते अभी नहीं, आप भी हमला करोगे तब आप देख ले। बस मेरे पास नोट्स ही नहीं है। नोट्स मिलते भी नहीं है मेरा बेटा। नोट्स आपको प्रोवाइड जरूर किए जाएंगे, बट नॉट राइट नाउ। नोट्स जो हैं वो आपको दिए जाएंगे, ये टेस्ट योरसेल्फ के मैक्सिमम दे दिए जाएंगे, ये जो मैं आपको अभी करवाया ना, जिस तरह टेस्ट योरसेल्फ 11.3। But you are not needed with any notes. जो आपको काम कराया जाता है, क्योंकि पेपर कहीं से भी आपको आ जाएगा, तो आपने उस सारे के थ्रू गो थ्रू होना है। नाइन्थ क्लास के दो पेपर आपने दिए ना, बायो और इंग्लिश के दिए होंगे, डेफिनेटली दिए। बायो का पेपर जो आया था आपको, yes, miss. बुक में से कहीं से भी आ गया था ना? जी। नोट्स क्या है? नोट्स वही है ना कि ये क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, ये क्वेश्चन ऐसे आ सकता है। सो इट्स बेटर कि आप सारी की सारी बुक अच्छी तरीके से याद करें। जो एट द एंड ऑफ लेक्चर मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ, जस्ट सिंपली उसको ओपन करें। जैसे लेट्स से अगर आज मैंने आपको होमवर्क कोई नहीं देना, बिकॉज आपको पिछला काम सारा प्रीवियस कंप्लीट करना है, ठीक है? नोट्स जो आपको मिलेंगे, इट्स नॉट फॉर दैट पर्पस। रजिस्टर पे काम कराने का पर्पस ये है कि आप सबको बोर्ड की प्रेजेंटेशन का पता हो, दैट इफ एनी क्वेश्चन कम्स तो आपने बोर्ड में उसको किस पैटर्न से करना है, ठीक है? विदाउट आपको, आपको आता सारा कुछ है, आपको लिखना भी आता है, बट यू डोंट नो हाउ टू प्रेजेंट इट, तो आपको मार्क्स उस तरीके से नहीं मिलते। टिल द मोमेंट आपको पता होना चाहिए कि हमने डेफिनेशन बोर्ड में इस तरह से लिखनी है, ठीक है? जैसे अब मेरे पास रजिस्टर आ जाएंगे, आई कैन शो इट टू यू एज वेल। जब नेक्स्ट क्लास हमारी इंशाल्लाह होगी थर्सडे को नहीं, फ्राइडे को। कल है क्लास, कल तो मैं रजिस्टर आपके कलेक्ट करूंगी और देन आई विल शो ऑन फ्राइडे किस तरीके से हमने काम करना है, देन इट विल बी ईजियर फॉर यू। तो फिर आपने आगे से यहीं से काम स्टार्ट कर देना है अब आगे, ठीक है? सेम इज फॉर यू हारून बेटे। ओके एल्सा बेटे, कल आपने रजिस्टर अपना सबमिट कराना है, यू मस्ट नो दैट। यस मिस, आई नो। हारून, व्हाट अबाउट यू बेटे, कैन यू प्लीज अनम्यूट योर माइक? हारून, हारून कैन यू अनम्यूट योर माइक बेटे? यस मिस। बेटे हैव यू डन एनी वर्क, कोई काम किया आपने? नो मिस, अभी नहीं किया। सो व्हेन विल यू डू इट? कब करेंगे? इस वन वीक में। अच्छा मुझे एक बात बताएं, आप कैमरा क्यों नहीं ऑन करते? मिस वैसी है। क्यों? क्या? Say it again. What did you say? Yes, Harun, I can't hear you. What did you say? Can you please repeat it?
No answer. Okay, bacha, if you have any question, you can ask me. But please try to complete your work. Miss? Yes, beta. Miss, मैं पूरा काम completed तो मैं आज test से 11.3 कर लूँ register पर. हाँ, you are more well. करें आप. ठीक है, आप उतना काम अपना complete कर लें, उसके बाद मुझे submit करा दें. Then I will check and I will write down the comments. I don't know what about the boys. They are not even attending the class and they don't know what they will do. I think the remaining class of girls is going to complete their work. What I think. If anybody has any question, they can ask me.